न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सरकार ने उस फैसले पर पुनर्विचार किया और उस सरकार ने उस फैसले पर पुनर्विचार करके विकल्प एनजीओ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस एनजीओ को रेवाड़ी के अंदर कहीं पे भी एक इंच सरकारी जमीन अलॉट नहीं की जाए। शक नहीं कि ऐसे बच्चे जो दूसरी संस्थाओं में पढ़ करके अपना परिणाम अव्वल दर्जे का लेकर के आए, उनका नाम इस्तेमाल करके इसने सुपर 100 शब्द का इस्तेमाल किया, ये पूर्णतः झूठा है, ठग है। जनता के सामने इसकी सच्चाई में भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे जो स्थानीय मंत्री इसके कार्यक्रम में शामिल थे उनका इनको संरक्षण रहा। और उन्होंने इस मामले में जिस तरह एम्स के मामले में उन्होंने क्षेत्र की जनता को गुमराह दो फाड़ करने की राजनीति माननीय मंत्री जी इस स्कूल के मामले में करना चाहते थे, उनका ये बयान कि सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, सरकार की तरफ से उस समय कोई फैसला वापस नहीं लिया गया था। वो चाहते थे कि इन संघर्ष को, आंदोलन जो कर रहे हैं उनको बांट करके, लोगों को गुमराह करके और इस मंसूबों को ये मानते हैं कि सरकार की मिलीभगत के बगैर पत्ता भी नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि इसके जो काले कारनामे हैं उनकी सभी की जाँच होगी और न्याय जनता को मिलेगा। रेवाड़ी के सेक्टर 4 स्थित सरकारी स्कूल की बिल्डिंग विकल्प नामक संस्था को लीज पर देने का फैसला वापस लेने के बाद न केवल स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों में जोरदार खुशी है, बल्कि जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश महासचिव एडवोकेट श्याम सुंदर सबरवाल की अगुवाई में लड्डू बांटकर इस जीत का जश्न मनाया। रेवाड़ी के गुरुटेक स्थित अपने निवास पर श्याम सुंदर सबरवाल ने कहा कि यह क्षेत्र की जनता द्वारा उठाई गई आवाज का ही परिणाम है कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और एनजीओ को बाहर का रास्ता दिखाया गया। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी के सिपाही भी इस आंदोलन में संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वहीं सबरवाल ने इस पूरे प्रकरण में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल को आड़े हाथों लेते हुए उनकी संलिप्तता के आरोप भी लगाए और कहा कि इसमें सहकारिता मंत्री का पूरा संरक्षण प्राप्त था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सहकारिता मंत्री एम्स के मामले में भी जनता को गुमराह कर चुके हैं। इसी तरह मंत्री जी इस मामले में भी संघर्ष समिति को दोफाड़ करने की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए और उनकी हकीकत जनता के सामने आ गई। इसलिए अब सहकारिता मंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब एक एक कर एनजीओ के सभी कारगुजारियों का पर्दाफाश किया जाएगा और एनजीओ के सभी काले कारनामों की जांच होकर जनता को न्याय मिलेगा। वहीं सबरवाल ने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि सरकार इस मामले में लीज को रद्द कर नोटिफिकेशन जारी करे, अन्यथा जननायक जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सेक्टर 4 की बेश कीमती लगभग 200 करोड़ रुपए की 8 एकड़ जमीन जो सरकार ने एक विकल्प प्राइवेट एनजीओ को लीज पर दे दी गई थी, जिससे इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इस क्षेत्र के लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाकर उसके खिलाफ आवाज उठाई और जननायक जनता पार्टी के सारे साथी शुरू के दिन से, जिस दिन ये तालाबंदी हुई उससे लेकर के अंतिम क्षण तक इस संघर्ष में सहयोगी रहे। आज सरकार ने उस फैसले पर पुनर्विचार किया और उस सरकार ने उस फैसले पर पुनर्विचार करके विकल्प एनजीओ को बाहर का रास्ता दिखा दिया और सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस एनजीओ को रेवाड़ी के अंदर कहीं पे भी एक इंच सरकारी जमीन अलॉट नहीं की जाएगी। हम सब में इस बात की खुशी है, साथियों ने लड्डू खिला करके इस फैसले का स्वागत किया है। प्रधान जी, क्या मानते हैं कि लंबे समय से ये खेल चल रहा था, आखिर सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया, जनता जागी तभी जाकर के ये सारे कदम उठाए? जब तक ये प्राइवेट अपना काम करता रहा तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी संस्था चला सकता है, उसकी कारगुजारियों से सरकार वाकिफ नहीं थी। जब सरकार ने इसको लोट की और यहाँ के अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया तो फिर जनता जागी और उसके खिलाफ जो आवाज़ उठी हम सब ने इसमें सहयोग किया और आज निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को न्याय मिलेगा। काफ़ी सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं एनजीओ के ऊपर, जाँच भी हुई है, आगे क्या मानते हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई हो पाएगी या अभी लीपापोती करके छोड़ दिया जाएगा? सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है इसको कोई भी
जमीन अलॉट नहीं की जाएगी और हम सब ये आश्वासन दिलाते हैं कि 24 तारीख तक सरकार इस पत्र को जिसके तहत उसको लीज पर जमीन दी गई थी उसको अलॉटमेंट को रद्द करे, नहीं तो फिर हम उसी भाव से इस क्षेत्र की जनता के साथ और संघर्ष समिति के साथ खड़े होकर के इस न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और इसमें जीत मिलेगी। सुपर 100 को लेकर भी अनेक सवाल उठ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर, क्या मानते हैं कितना उचित है? इसमें ये कोई शक नहीं कि ऐसे बच्चे जो दूसरी संस्थाओं में पढ़ करके अपना परिणाम अव्वल दर्जे का लेकर के आए, उनका नाम इस्तेमाल करके इसने सुपर 100 शब्द का इस्तेमाल किया, ये पूर्णतः झूठा है, ठग है, जनता के सामने इसकी सच्चाई आ चुकी है। जनता जागी, लोग इकट्ठा हुए, विभिन्न संगठन आए, सभी राजनीतिक दल दिखाई दिए, जसपा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भाजपा की तरफ से जो सत्तारूढ़ दल है कोई बड़ा नेता या चेहरा नजर नहीं आया, क्या वजह मानते? विशेष रूप से अगर बात करें इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे जो स्थानीय मंत्री इसके कार्यक्रम में शामिल थे उनका इनको संरक्षण रहा और उन्होंने इस मामले में जिस तरह एम्स के मामले में उन्होंने क्षेत्र की जनता को गुमराह किया, और एक 82 साल की बुजुर्ग माता जी जिसने मनेठी से लेकर के रेवाड़ी तक पैदल यात्रा के अंदर जेल भरो आंदोलन, सद्बुद्धि हवन, इसमें अपना सहयोग दिया, भूख हड़ताल में सहयोग किया, उसके लिए भी माननीय मंत्री का ये कहना कि कुछ लोग और एम संघर्ष समिति उंगली कटवा करके शहीद होना चाहती, विशेष रूप से ये उस 82 साल की बुजुर्ग माता का अपमान है। और इसी तरह की दो फाड़ करने की राजनीति माननीय मंत्री जी इस स्कूल के मामले में करना चाहते थे, उनका ये बयान कि सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, सरकार की तरफ से उस समय कोई फैसला वापस नहीं लिया गया था, वो चाहते थे कि इन संघर्ष को, आंदोलन जो कर रहे हैं उनको बांट करके लोगों को गुमराह करके और इस मंसूबे को सिरे चढ़ाया जाए जिसकी क्षेत्र की जनता ने संघर्ष करके और इसके अंदर एनजीओ को खदेड़ा, इसमें उन नेता का, मंत्री का भी जो है ना आज लोगों के सामने हकीकत आ गई। प्रधान जी, दो दो कैबिनेट मंत्री आके, एक हमारे कोसली के विधायक भी उसमें उपस्थित थे, आके एक सरकारी जमीन सौंपते हैं। निश्चित रूप से ये मानते हैं कि सरकार की मिली भगत के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, कहीं ना कहीं अफसरशाही जो हावी रही, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने जो गलत पिक्चर पेश की उसके बाद ये फैसला हुआ, और जब क्षेत्र के अंदर विरोध हुआ उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष समिति ने अपनी आवाज बुलंद की तो ये बात वहाँ तक पहुँची, और प्रशासन के माध्यम से जब ये बात वहाँ पहुँची तो सरकार इस मामले में हरकत में आई और ये फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा। और हम ये मान के चलते हैं कि इसके जो काले कारनामे हैं उनकी सभी की जांच होगी और न्याय जनता को मिलेगा। जजपा क्या कुछ पैरवी करेगी अब आगे इनके खुलासे को लेकर? जजपा की तरफ से क्लियर स्टैंड है कि ये जो जमीन इसको अलॉट की गई थी लीज, 24 तारीख तक का आश्वासन प्रशासन और सरकार ने दिया है, 24 तारीख तक सरकार इसकी लीज को रद्द करके उसका नोटिफिकेशन जारी करे, अन्यथा जननायक जनता पार्टी पूरे तहे दिल से उसी भाव से जिस तरह एम संघर्ष के साथ रही इसी तरह इसके साथ भी खड़े। यदा कदा जो चीजें निकल के आई है, आपने कह दिया जमीन तो वापस हो जाएगी, लेकिन जो बच्चे सुपर 100 के नाम पे, अभी तो सुपर 400 हो गया है, उनके साथ जो अंदर शोषण हो रहा है, क्या उसको आप रुकवा पाएंगे? जो बच्चे जी संस्था के अंदर एडमिशन हो गए, ये उसने जो एडमिशन की वो बच्चे कहीं ना कहीं हमारे और आपके हैं जो प्रभावित होंगे, हम इसके लिए भी प्रशासन से बात करेंगे कि उन बच्चों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये संस्था ना मीडिया की एंट्री है, ना प्रशासन की एंट्री है, ना डॉक्टर की एंट्री है, ऐसा क्यों? ये संस्था एक परिवार की संस्था थी जिसने पूरी तरह मन मर्जी से इस क्षेत्र के लोगों को लूटा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, अब इसके एक एक कारगुजारी का पर्दाफाश करेंगे, इन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। सार्वजनिक तौर पर मंत्री का जो झूठ बोल रहा, तो क्या उन्हें अपने पद से नैतिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए? ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र की जनता को गुमराह किया हो या झूठ बोला, एम्स के मामला रहा हो चाहे ये स्कूल का मामला रहा हो, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर वहाँ आकर के बैठना चाहिए था
और इस मामले को हल नहीं करवा पाए उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी देना चाहिए। धन्यवाद जी। मलखान जी, विवादित मामला था स्कूल का जो है, अभी जिस तरीके से धरना प्रदर्शन खत्म हुआ, जेजेपी की भूमिका पर क्या कहेंगे? जेजेपी के जितने भी हमारे सीनियर साथी थे, चाहे जूनियर साथी थे, सभी ने एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ, शुरू वाले दिन से आखिरी दिन तक, जब तक सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, तब तक पूरी ताकत के साथ हम संघर्ष समिति के साथ खड़े रहे और हमने अपनी मांग मनवा करके ही हम पीछे हटे। इसी खुशी में आज सभी को लड्डू खिलाए हमने और इसी खुशी के कारण हमें बड़ी खुशी है कि भाई बच्चों के लिए न्याय हुआ है। और सब क्या कहेंगे, जिस तरीके से मामला ये सुलझा है, कई दिनों तक विवाद चला, हमें जैसे पता लगा जेजेपी पार्टी ने, हमारे सब पदाधिकारियों ने यही फैसला लिया संघर्ष समिति के साथ, और आगे भी अगर इनको सरकारी कहीं भी जमीन अलॉट होगी तो जैसे संघर्ष समिति के साथ मिलकर इनको वहां से भी खदेड़ने का काम करेंगे। इन्होंने हमारे इलाके के बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब किया है। हम चाहते हैं इस एनजीओ की इंक्वायरी हो, ऊपर स्थल सीबीआई इंक्वायरी हो, पता लगे दूध का दूध पानी पानी सामने। कहीं ना कहीं संघर्ष की बड़ी जीत है, संघर्ष समिति की और अहिरवाल की सरदारी की जीत है। प्रधान जी, जीत हुई है स्कूल को लेकर के क्या कहेंगे? पहली बात तो हमारी सरदारी की जीत हुई, 36 बिरादरी की जीत हुई, इधर देखो 36 बिरादरी की जीत हुई है और अच्छा काम हुआ है। जनहित के काम हर समय कर रहे हैं और करते रहेंगे, जैसे ही भी अभी आगे यहाँ से गई और सरकारी जमीन पर बैठने का काम करेंगे तो वहाँ भी हम दरी बिछाने में देर नहीं लगाएंगे। नहीं, सरकार आपकी, आपकी सरकार के खिलाफ दरी सर, सरकार ने तो फैसला दे दिया, इसको खाली करवा दिया यहाँ से। हम जब जाके बैठे उनको पता लगा, लोगों को भाई लोग नाराज हैं, तो उन्होंने सरकार ने इनको खाली करवाने का आदेश दे दिया। कई बार इस संस्था पे आरोप लगे कि वो गड़बड़ कर रही है, तो अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया, विरोध क्यों नहीं देगा? अब तक तो अपने प्राइवेट में रखता था ये, मनोज पहलवान के वहाँ किराए पे ले रखा था, अभी सरकारी में आया तो पब्लिक ने पता लगा, पब्लिक जाके बैठ गई 36 बिरादरी। और सभी पार्टियों को, कोई पार्टी दलबल की बात नहीं थी, जनहित की बात थी, इसलिए लोग सभी ने सहयोग किया और अच्छा सहयोग किया, जिसमें भाई आप लोगों का भी अच्छा सहयोग था, उसका भी धन्यवाद करते हैं हम। तो आप और हमारे बच्चे सबके बराबर होते हैं। ठीक।